कुरान हमें रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपने साथी यहाँ बढ़ाए, ये जम्मू कश्मीर के एहतमाम से उन्होंने जो यहाँ ये कौमी सेमिनार किया। अक्सर शफीक साहिबा हैं या दूसरे मुअज्जज साहिबान हैं, कॉलेज के असातिज़े किराम हैं, कितनी दिक्कत आती है एक सेमिनार को मुनक्कद कराने में, इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं उन्हें। तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज से हर एक अपनी वो जिम्मेदारी संभाले, अपनी जिम्मेदारी। मैंने ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर उर्दू को और इकबालियत के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा, और अल्लाह का फजल करम है नसीरत से वो आ गए। अच्छा, उस सिलसिले में मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ प्रॉब्लम थे, उर्दू टीचर्स नहीं फराहम कर रहे थे। दूसरी बात ये कि मेरे तारुफ में कहा गया कि मैं तकरीर बहुत अच्छी करती हूँ, लेकिन बखुदा दिल की भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा मानना है कि आपकी तकरीर में शुगुफ्तगी तब आती है जब आपके लफ्जों का सिलेक्शन कमेटी में आप यहाँ रस्म रोनमाई करती विदाई हासिल कर सकती है या फिर छापती है। अभी कुमार साहब ने कहा कि मैंने शफीक जी वो चीज़ जो मेरी सोसाइटी को चाहिए, वो चीज़ बहुत बहुत शुक्रिया है प्रोफेसर शफीका साहिबा। इसे की सुनने से पहले जो है एक ब्रेक के तौर पर हमने यहाँ जितनी किताबें यहाँ आज इजरा हुई और जो मुसन्निफीन है या मुतर्जमीन है उनकी सुना रहे थे कि कश्मीर में हिस्ट्री ऑफ उर्दू है इवन बिफोर पार्टीशन। तो हमारे जो कश्मीरी पंडित अजीब है, और दूसरी बात जो है जैसे पंडित ब्रिज नारायण चक्रवर्त नागा है सर कश्मीरी का, देखें ड्रामा में क्या बोल रहे हैं, सोलह वर्ष ना शानी तुला जी मैंने था यार सर दिलदार था। तो ये काफ़ी हम लोग मीर अमन देखने को अगर आप देखें उनको देखें, ब्रिटिशर्स ने जब शुरू किया सिविल सर्विसेज तो अपने सिविल सर्विस को वो पढ़ाते थे, तो बालो बहार मीर अमन देखने के लिए किताब लिखी थी जो एक तो आफाकियत है। अगर आप हज उम्र पर भी जाते हैं वो उर्दू जरूर देखेंगे आप कमी के अलावा। दूसरी बात जो है अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिटरेचर में म्यूजिक में लैंग्वेज में काफ़ी नफासत आई, पिंच ज़्यादा जुबानें जो गाँव देखें कहाँ से उभरी हैं, किस तरह से खड़ी बोली है हर जबान में वर्ल्ड में। हम डायरेक्टली क्योंकि आले अजम थे और अजम जो घूंगे को कहते हैं वो जबान के कलाम की ब्यूटी से इस तरह डायरेक्ट। साहब आज यहाँ पे होटल शहनशाह में आपने इस कौमी सतह के सेमिनार का इनेकाद किया, बुनियादी मकसद क्या है ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करने का? बुनियादी मकसद ये है कि उर्दू ज़बान अदब को फ़रोग मिले और उर्दू के अदीब शुरा नकाद दानिश्वर एक जगह यकजा हो और उर्दू के मौजूआत को का पता चले, उर्दू के मसाइल का पता चले। और यकजहती का मतलब यह है कि जब लोग सब लोग यकजा होंगे उर्दू के एक तबके के एक शोबे के, तब पता चलता है कि इनमें यकजहती है और ये कभी भी किसी भी मसले पर एक जगह जमा हो सकते हो और किसी मौजू का किसी मसले का हल निकाल सकते हैं। अच्छा,